किसी गांव में दिशा और राधिका नाम की दो बहनें अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। उनकी माँ जमींदार के खेत में काम करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। एक दिन पूनम खेत में काम कर रही होती है, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोनों बहनों तक जैसी ही ये बात पहुँचती है, दोनों रोते हुए अपनी माँ के लाश के पास आती है। ये क्या हो गया माँ? आप ही तो हम दोनों का सहारा थी। पहले पापा और अब आप हमें छोड़कर चली गई। हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? दिशा तो अभी बहुत छोटी है, अभी आपकी उसे जरूरत थी। देखो वो आपको देखकर कितना रो रही है। तभी गांव की एक औरत राधिका के पास आती है और बोलती है, राधिका तो इस तरह हिम्मत हार जाएगी तो दिशा खुद को कैसे संभाल पाएगी? तेरे पापा के जाने के बाद तेरी माँ ने सबको संभाला था और अब तुझे सब कुछ संभालना है। तुम दोनों यहाँ नहीं रह पाओगी, इसलिए माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम दोनों को तुम्हारे मामा जी के घर छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद पूनम का अंतिम संस्कार हो जाता है। चलो तुम्हें तुम्हारे मामा के घर छोड़ देती हूँ। नहीं काकी, मुझे मेरे मामा के घर का रास्ता पता है, मैं दिशा को लेकर खुद चली जाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे मामा के घर नहीं जाना है। दिशा, मामा के घर पर जाना ही पड़ेगा, तुम डरो मत, वहाँ हमें सब बहुत प्यार करेंगे और माँ ने भी तो बताया था कि हमारे मामा जी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद अपने थोड़े बहुत कपड़े लेकर दोनों बहनें मामा के घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी रास्ते में सड़क के कोने पर उन्हें दो हैंडबैग नजर आता है। दोनों हैंडबैग बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, इसलिए दोनों बहनें हैंडबैग को देखकर हैरान रह जाती है। ये देखो दीदी, यहाँ कितने सुंदर दो हैंडबैग है। लग रहा है एक हैंडबैग सोने का है और दूसरा चांदी का। हमें इन दोनों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं दिशा, हमें हैंडबैग को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर सच में ये दोनों हैंडबैग सोने और चांदी के हैं, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत कीमती है। मुझे लगता है ये किसी का हैंडबैग है जो गलती से यहाँ भूल गया है, और अगर हम इसे अपने साथ लेकर चले गए तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो हम हैंडबैग को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, पर हम इन्हें ऐसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हैं? अगर हमारे बाद कोई लालची यहाँ आया और इन्हें ले गया, फिर ये हैंडबैग तो उन्हें मिलेगा ही नहीं जिनका असल में है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, हम इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। ये जिसके भी होंगे वो हमें एक न एक दिन मिल ही जाएगा। उसके बाद दोनों बहनें सोने और चांदी का हैंडबैग उठा लेती है, पर दोनों बहनें अभी भी इस बात से अनजान थी कि वो दोनों मामूली नहीं बल्कि जादुई हैंडबैग है। कुछ देर तक चलते चलते दोनों बहनें मामा जी के घर पहुँच जाती है। मामा जी, हमारी माँ की सांप कटने की वजह से मौत हो गई है, इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ आ गई हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए। मुझे खबर कर देती, मैं खुद लेने आ जाता। लेकिन अब तुम दोनों आ गई हो तो अब हमेशा यहीं रहना, यहाँ तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तभी उनकी मामी बोलती है, आ गई दोनों मनहूस लड़कियाँ मेरे घर में मनहूसियत फैलाने। हाँ हाँ, आराम से तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, क्योंकि ये हमारा घर नहीं बल्कि अनाथ आश्रम है। मैं तो कहती हूँ अपनी तरह और भी बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाओ। हमारे बगीचे में पैसे का पेड़ है ना, इसलिए हम सबको अपने घर में रहने की जगह दे देंगे। इस तरह मीनू दोनों बहनों को बहुत ताने मारती है। मीनू, ये कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं। मेरी बहन ने वैसे ही अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और अब वो ये दुनिया छोड़ कर चली गई है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी बहन के घर ही रहता था और वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरी बारी है, मुझे काम की वजह से शहर जाना है और मेरे पीछे से तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन ही राजीव शहर चला जाता है। राजीव के शहर जाने के बाद मीनू दोनों बहन के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों ने मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है। इतने सारे अनाथ आश्रम है वहाँ चली जाती, अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तभी मीनू की बेटी बोलती है, मम्मी अगर ये दोनों आ ही गई है तो क्या हो गया? हम इन्हें दो वक्त का खाना देंगे और इसके बदले घर का सारा काम करवाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। सुनो दोनों लड़कियाँ, घर का एक एक काम तुम दोनों को ही करना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने।
मामी मैं आपका सारा काम कर दूंगी, लेकिन दिशा अभी छोटी है, उससे काम मत करवाइएगा। दिशा इतनी भी छोटी नहीं है कि घर का काम ना कर पाए। मम्मी आप इस लड़की की एक नहीं सुनना, ये छोटी है तो क्या हुआ, खाना तो खाती है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। दो वक्त का खाना और रहने की जगह चाहिए तो दोनों को काम करना पड़ेगा, छोटी है या बड़ी इससे मुझे कोई मतलब नहीं। चल जा किचन में बहुत सारे बर्तन हैं। किचन की सफाई करने के बाद तुम्हें घर की सफाई और छत की सफाई भी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। उसके बाद दोनों बहनें किचन में जाती है और वहाँ सफाई करने लगती है। काम करते करते दिशा बोलती है, हमने सच में यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरा तो पहले भी मन नहीं कर रहा था यहाँ आने का। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ नहीं आते तो अपना गुजारा कैसे चला पाते। उसके बाद दोनों बहनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों बहनें अपना अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद राधिका किचन में खाना बनाने लगती है और दिशा छत पर झाड़ू लगाने लगती है। दिशा को झाड़ू लगाना नहीं आता था, इसलिए उससे अच्छे से छत की सफाई नहीं हो पा रही थी। तभी सिमरन आती है और दिशा के सर पर एक थप्पड़ मारकर बोलती है, सही से काम करना नहीं आता है क्या, अभी भी छत पर इतनी गंदगी नजर आ रही है, अंधी होकर काम कर रही है। दिशा रोते हुए राधिका के पास जाती है। दीदी सिमरन ने मुझे थप्पड़ मारा, आपको पता ही है मुझे कोई काम करना नहीं आता है, इसलिए मेरे से छत की सफाई नहीं हो पा रही थी और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं, रो मत। इतना बोलकर राधिका दिशा को गले लगाकर चुप करवाने लगती है। दिशा एक जगह बैठ जाती है और राधिका सारा काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद घर का सारा काम खत्म हो जाता है और नहाने के बाद राधिका दिशा को बोलती है, दिशा तुम कमरे में रहना, मुझे लग रहा है सिमरन और मामी ने खाना खा लिया है, इसलिए अब मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर राधिका मीनू के पास जाती है और उसे खाना मांगती है। मीनू रात की रोटी लाकर राधिका को दे देती है। मामी मैंने खाना बनाया है, फिर आप मुझे रात की रोटियाँ क्यों दे रही हो। तुम दोनों बहनें यही बचा कुचा खाओगी, जब तुम दोनों हो तो ये बचा कुचा किसी जानवर को खिलाने की क्या जरूरत है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भूखे सो जाओ। राधिका रात की रोटी लेकर दिशा के पास चली जाती है। दिशा हम दोनों को यही रात की सूखी रोटी खानी पड़ेगी। दिशा रोटी खाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रोटी बहुत ज्यादा सूखी हुई थी जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रही थी। दीदी मैं तो ये रोटी खा ही नहीं पा रही हूँ। उन दोनों ने सोने और चांदी के हैंडबैग को छुपाकर पलंग के नीचे रख रखा था। तभी दोनों हैंडबैग पलंग से बाहर निकलकर दोनों बहनों के सामने आ जाते हैं। राधिका और दिशा तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो, तुमने हम दोनों को संभाल कर रखा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि हम दोनों जादुई हैं। अगर तुम मेरे में हाथ डालोगी तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। हाँ राधिका, और अगर तुम दोनों मेरे अंदर हाथ डालो तो तुम्हें चांदी के सिक्के और बहुत सारे रुपए पैसे मिलेंगे, ये सब कभी खत्म नहीं होगा, हम दोनों तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। सोने और चांदी के हैंडबैग की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। दीदी हमारे पास सोने और चांदी के हैंडबैग है, फिर हम मामी के साथ क्यों रहे, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मीनू के पास जाती है और राधिका बोलती है, मामी आप हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो और हमें घर में नहीं रखना चाहती हो, इसलिए हम दोनों बहनें जा रही हैं। हम मामा जी से कह देंगे कि उनके पीछे से आपने हमें बहुत प्यार से रखा है, लेकिन अब हम दोनों इस घर में रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मीनू के घर से बाहर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी सोचती है कि उन दोनों के अत्याचार की वजह से दोनों बहनें घर छोड़कर चली गई है, इसलिए वो दोनों बहुत खुश होती है। मीनू के घर से जाने के बाद सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से दोनों एक बड़ा सा आलीशान घर खरीदते हैं और उसमें रहने लगते हैं। मैं जादुई सोने और चांदी के हैंडबैग की मदद से अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ। ना जाने हम दोनों की तरह कितने अनाथ बच्चे होंगे जो दर दर भटकते होंगे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। कुछ महीनों में ही राधिका एक अनाथ आश्रम खोल लेती है और कई अनाथ बच्चों को उसमें रहने की जगह देती है और तीन वक्त का अच्छा खाना भी देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और सिमरन को पता चल जाता है कि राधिका ने एक अनाथ आश्रम खोला है। वो अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। मम्मी
राधिका ने एक अनाथ आश्रम खोला है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उसके पास आखिर इतने पैसे आए कहाँ से। मुझे तो लगता है उन दोनों बहनों के पास बहुत बड़ा खजाना है। सिमरन की बातें सुनकर मीनू के मन में लालच आ जाता है। मीनू राधिका के घर का पता लगा लेती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी राधिका के घर जाती है। दोनों माँ बेटी देखती है कि राधिका और दिशा सोने और चांदी के हैंडबैग के अंदर हाथ डालकर बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के रुपया पैसा निकाल रही है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अनाथ आश्रम के बच्चे से मिलने जाते हैं और उनके पीछे से दोनों माँ बेटी उनका हैंडबैग चुरा लेती है। मम्मी अब सोने के हैंडबैग से सोने के सिक्के निकालो, अब हम यहाँ के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। जैसे ही मीनू हैंडबैग के अंदर हाथ डालती है, दोनों हैंडबैग से मधुमक्खी का झुंड निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। मधुमक्खी के काटने की वजह से दोनों माँ बेटी के चेहरे और शरीर पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं और वो दाने बहुत जोर से दर्द कर रहे थे। दोनों माँ बेटी रोने लगती है और सोने और चांदी का हैंडबैग फिर से राधिका और दिशा के पास पहुँच जाता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और दोनों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ये कहानी परी लोक की है, जहाँ पर प्रतिभा परी का राज था। प्रतिभा परी एक बहुत ही शक्तिशाली, ईमानदार और होनहार रानी थी। प्रतिभा परी की तीन बेटियाँ थी। बड़ी दो बेटियों का नाम नीलम और आकांक्षा था और छोटी वाली बेटी का नाम पल्लवी था। पल्लवी का स्वभाव अपनी दोनों बड़ी बहनों से बिल्कुल विपरीत था। वो कम बोलती थी परंतु अधिक समझती थी। वहीं उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही घमंडी थीं। प्रतिभा परी के बगीचे में एक जादुई पेड़ था जिसमें रोजाना दो सोने के आम उगा करते थे। अचानक एक दिन जब प्रतिभा परी उस पेड़ के पास गई, तो वहाँ पर एक ही सोने का आम था। अरे ये क्या, आज पेड़ पर एक ही सोने का आम है, एक आम और किसने चुरा लिया, कहीं ये काम सिपाही परियों का तो नहीं। ऐसा सोचकर प्रतिभा परी अपने सामने सिपाही परियों को बुलाती है और उनसे कहती है, आज मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सोने का एक आम इस जादुई पेड़ से कहाँ गया, किसने चोरी किया? तुम दोनों ही इस पेड़ की रखवाली करती हो ना, बताओ कहाँ गया? हमें नहीं पता रानी परी, हम तो कल पूरी रात पहरेदारी कर रहे थे। मुझे सब पता है कि तुम दोनों रात में यहाँ की पहरेदारी करती हो या घोड़े बेचकर सोती हो, समझी तुम? इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी बहुत टेंशन में थी। अगले दिन सुबह उठकर रानी परी फिर से उस पेड़ के पास आई, लेकिन आज तो दोनों ही सोने के आम गायब थे। ये सब देखकर रानी परी बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कल सिर्फ एक ही सोने का आम गायब था, आज तो दोनों ही गायब हैं। आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? रानी परी महल में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। तभी रानी परी के पास रानी परी की प्रिय सहेली रेशमा परी आती है और कहती है, क्या हुआ रानी परी, आप इस तरह परेशान होकर क्यों बैठी हैं? रेशमा परी के पूछने पर रानी परी सारी बात उन्हें बताती है। अब तुम ही बताओ रेशमा परी, मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ी अजीब मुसीबत आ गई है। आप परेशान मत होइए रानी परी, मुझे लगता है अगर आप अपनी दोनों बड़ी बेटियों को इस पेड़ की पहरेदारी करने के लिए कहें तो वो जरूर चोर का पता लगा सकेंगी। रानी परी को रेशमा परी की कही बातें सही लगती हैं। वो अगले ही क्षण अपनी दोनों बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम दोनों को ये पता लगाना होगा कि आखिर हमारे सोने के आम चुरा कौन रहा है। यदि इस कार्य में तुम दोनों सफल हुई तो मैं तुम दोनों को यहाँ की उत्तराधिकारी बना दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों आज रात ही पता लगा लेंगे कि आपके सोने के आम की चोरी कौन कर रहा है। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। उस रात रानी परी की दोनों बड़ी बेटियाँ जाग कर उस पेड़ की देखभाली करने लगती हैं। तभी बड़ी बहन नीलम कहती है, धत तेरी की, ये भी क्या मुसीबत है, अब क्या पूरी रात जाकर इसी तरह पहरा देना पड़ेगा। तभी मंझली बहन आकांक्षा कहती है, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा आइडिया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। क्या आइडिया है, मुझे भी बताओ। आकांक्षा एक दासी को पकड़ कर लाती है और कहती है, किसी ने असली चोर का चेहरा देखा तो है नहीं, तो हम माँ से झूठ कह देंगे कि ये दासी परी ही हमारे सोने का आम चुरा रही थी। तभी वो दासी परी कहती है, देखिए राजकुमारी परी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप अपने मतलब के लिए एक बेगुनाह को कैसे गुनहगार ठहरा सकती हैं? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने माँ के आगे जुबान खोली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदा जला दूंगी।
आकांक्षा परी की धमकियों से वो दासी परी डर जाती है। अगली सुबह रानी परी की दोनों बड़ी बेटियां उस बेगुनाह दासी परी को रानी परी के सामने ले जाती है और फिर आकांक्षा परी कहती है, माँ हमने आपसे कहा था ना कि हम किसी भी हालत में चोर को ढूंढ निकालेंगे। देखिए हमने ढूंढ निकाला, ये दासी परी ही है जो रोजाना सोने के आमों की चोरी करती थी। कल हमने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। दासी परी क्या मेरी बेटियाँ सच कह रही है? दासी परी रानी परी का कोई जवाब नहीं देती। दासी परी को खामोश देखकर रानी परी कहती है, तुम्हारी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया है दासी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इस गुनेगार को कारावास में डाल दिया जाए। बेचारी बेगुनाह दासी परी को कारावास में डाल दिया जाता है और दोनों राजकुमारियों को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। उस रात रानी परी निश्चिंत होकर सोती हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, तो आज भी उस पर सोने के आम नहीं थे। ये देखकर रानी परी को अपनी दोनों बड़ी बेटियों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेटियों के मोह के कारण वो उन्हें कुछ नहीं कहती और अपनी समस्या बताने के लिए रेशमा परी के पास जाती है। देखो ना रेशमा परी, आमों की चोरी तो अभी भी हो रही है, मतलब मेरी दोनों बेटियों ने जो चोर पकड़ा है वो चोर है ही नहीं। ये तो मैं पहले से ही जानती थी रानी परी, क्योंकि अगर उस दासी ने आमों की चोरी की होती तो आम उसके हाथ में होते और डर के मारे वे सारे आम आपको वापस कर देती जो उसने पहले चुराए थे। फिर अब मैं क्या करूँ रेशमा परी, मुझे उस दासी को आज़ाद कर देना चाहिए। हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को पेड़ की देखभाल करने के लिए बोलेंगी तो वो अवश्य असली चोर का पता लगा लेगी। तुम्हें लगता है पल्लवी ये कार्य कर पाएगी? वो तो इतना कम बोलती है, किसी से बात तक नहीं करती, बस जितना काम होता है उतना ही बातें करती है। इसका मतलब ये नहीं है रानी परी कि पल्लवी इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस कार्य को जरूर कर पाएगी। रेशमा परी की बात मानकर रानी परी पल्लवी परी को इस कार्य के लिए कहती है, पल्लवी मैं चाहती हूँ हमारे सोने के आम को कौन चुरा रहा है इसका पता तुम लगाओ और उस पेड़ की रखवाली भी तुम ही करो। यदि तुम इस कार्य में सक्षम रही तो मैं तुम्हें परीलोक की रानी परी बना दूंगी। आपकी आज्ञा सर आँखों पर रानी माँ। उस रात पल्लवी उस जादुई पेड़ की देखरेख करती है। पल्लवी पूरी ईमानदारी के साथ उस पेड़ की देखभाल कर रही थी। उसने देखा कि पेड़ में दो जादुई सोने के आम उगे हैं। पल्लवी ने अपनी नजरें उन आमों से हटाई ही नहीं, तभी उसने देखा कि एक फ्रॉक उड़ती हुई पेड़ के पास आई और उसने दोनों सोने के आम तोड़ लिए। अरे ये क्या, ये फ्रॉक फल तोड़कर लेकर जा रही है, पर एक साधारण सी फ्रॉक ऐसा कैसे कर सकती है? पल्लवी इतना सोच ही रही थी कि वो फ्रॉक फल लेकर वहाँ से जाने लगी। पल्लवी परी ने उस फ्रॉक का पीछा किया, लेकिन अचानक से वो फ्रॉक वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन ये सारी बात पल्लवी ने अपनी माँ को बताई। तब रानी परी ने कहा, तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा और उसके लिए तुम्हें किसी भी हालत में उस फ्रॉक को मेरे पास लेकर आना होगा। जैसी आपकी आज्ञा रानी माँ। रानी परी और पल्लवी की बीच की ये बातें आकांक्षा और नीलम भी सुन रही थी। वो आपस में कहती हैं, हमें उस फ्रॉक को इस पल्लवी की बच्ची से पहले ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो ये परीलोक की रानी बन जाएगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। पल्लवी रात होने का इंतजार करने लगती है। जब रात होती है तो वो उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर चुपके चुपके वो दोनों बहनें भी आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वही फ्रॉक उन सोने के आमों को चुराने दोबारा आती है। उसके बाद पल्लवी परी उस फ्रॉक का पीछा करने लगती है। पल्लवी परी से छुपकर वो दोनों बहनें भी उस फ्रॉक का पीछा करने लगती हैं। वो फ्रॉक सोने के आमों को लेकर पाताल लोक की तरफ जा रही थी। ये देखकर कि वो फ्रॉक पाताल लोक की तरफ जा रही है, वो दोनों बहनें वहीं रुक जाती हैं। ये फ्रॉक तो पाताल लोक की तरफ जा रही है, यदि हम वहाँ गए तो वहाँ हमारी जान को खतरा है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। जब पल्लवी उस फ्रॉक को लेकर वापस आ रही होगी तो हम उससे वो फ्रॉक छीन लेंगे। दोनों बहनें इस तरह योजना बना रही होती हैं और दूसरी तरफ बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर पल्लवी परी पाताल लोक में उस फ्रॉक के पीछे चली जाती है। वहाँ जाने के बाद पल्लवी परी देखती है कि वो फ्रॉक पाताल लोक की रानी को वो जादुई सोने के आम दे रही है। तुम ले आई? बस कुछ दिन और, कुछ दिनों में मेरे पास 100 सोने के आम जमा हो जाएंगे। उसके बाद मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि पूरा परीलोक मेरे अधीन हो जाएगा।
ऐसा कहकर वो चुड़ैल उस फ्रॉक को एक पिंजरे में बंद कर देती है। ये सब देख पल्लवी परी अपने मन में सोचती है, ये फ्रॉक मुझे कोई साधारण फ्रॉक तो लग नहीं रही है, जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। लेकिन मुझे इस पाताल लोक की रानी को इसके मुकाम में कामयाब नहीं होने देना है, नहीं तो पूरा परी लोक बर्बाद हो जाएगा। पल्लवी अपनी सूझबूझ से उस फ्रॉक को हथिया लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। पाताल लोक से निकलते ही उसे उसकी दो बड़ी बहनें दिख जाती है, जिसे देखकर पल्लवी कहती है, आप दोनों यहाँ? लेकिन आप दोनों यहाँ क्यों आई हो? हम दोनों यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो क्यों? ताकि हम तुमसे ये जादुई फ्रॉक छीन सकें और माँ को ये बोलें कि हम ये फ्रॉक लेकर आए हैं, उसके बाद परीलोक की रानियाँ हम दोनों बनेंगी। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? हमारा परीलोक खतरे में है और आप दोनों को इन सब चीजों की पड़ी है? नीलम परी पल्लवी को धक्का दे देती है और आकांक्षा उस फ्रॉक को लेकर जाने लगती है। तभी अचानक से आकांक्षा परी के हाथों से वो फ्रॉक छूटकर वहीं पास की नदी में गिर जाता है। ये क्या किया तुमने आकांक्षा? तभी उस नदी से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकलती है, जिसने वही वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। वो कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं यही परी लोक की परी हूँ। मुझे वो पाताल लोक की रानी छल से ले गई थी और उसने मुझे गायब कर दिया था। इस वजह से मैं दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ मेरी फ्रॉक दिखाई देती थी। जैसे ही मैं उस पाताल लोक की रानी तक रानी परी के 100 सोने के आम पहुंचा देती, वैसे ही वो मेरी हत्या कर देती। मुझे उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन इस परी लोक की नदी में गिरने के बाद उस पाताल लोक की रानी का किया हुआ जादू मुझ पर से टूट गया। क्या तुम ये सारी बातें मेरी माँ को बता सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद पल्लवी उस फ्रॉक वाली परी के साथ अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ पर वो परी सारी घटना अपनी जादू से रानी परी को दिखा देती है। रानी परी को पल्लवी पर बहुत गर्व होता है। जो कार्य मेरी दोनों बड़ी बेटी नहीं कर पाई, वो तुमने किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इस परीलोक की रानी परी बनाती हूँ। इस तरह रानी परी पल्लवी परी को परीलोक की रानी परी बना देती है। अब जादुई चोरी करने वाली फ्रॉक उस पाताल लोक के जादू से मुक्त हो गई थी, इसलिए अब परीलोक पर कोई खतरा भी नहीं था। इस प्रकार पल्लवी परी की सूझबूझ के कारण पूरा परीलोक अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। पूरी प्रजा पल्लवी परी के रानी परी बनने से बहुत खुश थी।